पंजाब के फिरोजपुर में बीते 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक का मामला शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए जांच में NIA को भी शामिल करने की मंजूरी दे दी है। अब मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला कितना चिंताजनक है, इस बात को आप सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणियों और फैसलों से समझ सकते हैं। इस मामले पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस NV रमना ने यात्रा रिकॉर्ड और जांच एजेंसियों को मिले तथ्यों को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा कोर्ट ने पंजाब पुलिस अधिकारियों, SPG और अन्य एजेंसियों को सहयोग करने और पूरे रिकॉर्ड को सील करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और पंजाब सरकार के पैनलों को सोमवार तक कोई कार्यवाही न करने को कहा है। PM मोदी की सुरक्षा में चूक पर पंजाब सरकार और केंद्र सरकार के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। सुनवाई में चीफ जस्टिस ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों को सुना, केंद्र को राज्य सरकार के जांच आयोग पर आपत्ति है और राज्य की टीम पर केंद्र को। कोर्ट ने पूछा कि क्या आप लोग साझा जांच कमेटी या आयोग बना सकते हैं। कोर्ट ने पूछा कि राज्य की कमेटी में आखिर आपत्ति क्या है। वहीं इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में जांच के लिए गृह मंत्रालय की टीम शुक्रवार को दिल्ली से फिरोजपुर पहुंची। ये टीम उस स्थान पर गई जहां PM मोदी का काफिला 15 से 20 मिनट तक रुका रहा था। वहीं इसी जगह पर टीम ने फिरोजपुर SSP और DIG को पूछताछ के लिए भी बुलवाया। इतना ही नहीं, गृह मंत्रालय की टीम ने पंजाब के DGP सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को भी तलब किया है, उनसे BSF कैंप में पूछताछ की जाएगी।